जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। मीरा भाईंदर के मीरा रोड स्टेशन परिसर में आज मनसे की महिला सेना ने फेरी वालों को अल्टीमेटम दिया है। साथ ही साथ यहां के शासन प्रशासन को भी ये कहा है जो अवैध फेरी वाले हैं उनको हटाया जाए। और आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मनसे के जो महिला सेना है वो फेरी वाले को हटाने की कोशिश कर रही है। ये मामला इसलिए इतना उठा है क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले थाने में एक महिला अधिकारी को जब वो अवैध फेरी वाले को हटा रही थी तो उन पे हमला हुआ और हमले में वो जख्मी भी हुई हैं, उनका दो उंगली कट भी गया है। इसको लेकर के बड़े बड़े नेता भी वहाँ उनसे मिलने के लिए गए थे। उसी वजह से मीरा भाईंदर के जो फेरी वाले हैं, मीरा भाईंदर के जो अवैध फेरी वाले हैं उस पे भी कार्रवाई करने की मांग महिला मनसे सेना कर रही है। आइए जानते हैं महिला मनसे सेना ने इस पे क्या कहा। आज महिला सेना जो इकट्ठा हुए है, थाना में जो दुर्घटना हुए है, एक्चुअल देखा जाए तो हाफ मर्डर केस ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। मीरा भाईंदर में ऐसा कोशिश भी कोई ना करे इसका आह्वान हम लोग का है। मीरा भाईंदर में अगर ऐसा सोच किसी का रहेगा तो हम लोग वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीरा भाईंदर महिला सेना बहुत आगे आए हैं और ये मैटर लेके बहुत आगे तक जाएंगे। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। कोई भी हफ्ता लेते हैं, कोई भी नगर सेवक, कोई भी दादा जो हफ्ता लेते हैं, हफ्ता लेके फेरी वाले को बिठाते हैं, वो हफ्ता वगैरह कुछ भी तुम लोग, लेकिन फेरी वाले साफ होना चाहिए चाहिए, ये हम लोग का मांगनी है और ये होना चाहिए। निर्माण सेना महिला सेना आम्ही इथे सर्व जमलेला आहोत। ठाण्यामध्ये कल्पिता पिंपळेंचं जे एका फेरीवाल्याने माथेपिळू फेरीवाल्याने त्यांच्यावरती प्राणघातक हल्ला केला त्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही जमलेलो आहोत आणि या फेरीवाल्यांना धडा शिकवण्यासाठी जमलेलो आहोत। इथे मीरा भाईंदरमध्ये सुद्धा जे अनधिकृत फेरीवाले आहेत त्यांना आमचा विरोध आहे। अधिकृत आहे त्यांनी आपलं काम करावं, अनधिकृतांना आमचा विरोध आहे। त्याच्यासाठी आम्ही आयुक्त उपायुक्त सगळ्यांकडे कंप्लेंट करणार आहोत आणि Thank you.